नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 15 दिसंबर को भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया। ये मॉडल ओपन एआई के चैटबोट चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड को टक्कर देगा। लॉन्च इवेंट के दौरान अग्रवाल ने कृत्रिम से पावर्ड एआई चैटबॉट दिखाया, जो चैट जीपीटी की बार्ड की तरह ही सवालों के जवाब देता है। ये 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और हिंदू, तेलुगु, मराठी जैसी 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है। भाविश अग्रवाल ने बताया कि अभी www.ola.krutrim.com पर जाकर चैटबोट के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसका अर्ली एक्सेस आज से ही बेचैज में मिलना शुरू हो जाएगा। अगले महीने के आखिर में ये सभी के लिए अवेलेबल होगा। कृत्रिम 2 साइज में आएगा, बेस मॉडल जिसे 2 ट्रिलियन टोकन और यूनिक डेटा सेट पर ट्रेन किया जाएगा। बातचीत में इस्तेमाल होने वाले सबवर्ड को टोकन कहा जाता है। वहीं लार्जर मॉडल का कृत्रिम प्रो नाम है, इसे अगली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना अरब सागर में समुद्री लुटेरों से माल्टा के जहाज को रेस्क्यू करा रही है। 14 दिसंबर को नौसेना को अलर्ट मिला था। इसके बाद नौसेना ने अपना युद्धपोत अदान की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुवेन की मदद के लिए भेज दिया। हाईजैक हुए जहाज पर 18 लोग मौजूद हैं। नौसेना को UKMTO पोर्टल पर मैसेज मिला था कि 6 अनजान लोग उनकी शिप पर आ गए हैं। इसके बाद सर्विलांस के लिए नौसेना ने अपने विमान को अदान की खाड़ी में एमवी रुवेन को लोकेट करने के लिए काम पर लगा दिया। विमान ने आज भी पूरे इलाके का हवाई सर्वे कर हालातों का जायजा लिया है। नौसेना की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक समुद्री लुटेरे हाईजैक किए जहाज को सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और स्पेस ने भी जहाज को बचाने के लिए अपनी नेवल फोर्स को काम पर लगाया है। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम शर्मा जयपुर में सरकार के आला अधिकारियों की आज बैठक लेंगे। इसमें सभी विभाग अध्यक्ष से उनके विभाग में चल रही योजनाओं और भविष्य की प्लानिंग पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा सरकार के मैनिफेस्टो को धरातल पर लागू करने के लिए अहम फैसला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी विभाग का बंटवारा किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा नेताओं के साथ केंद्र सरकार के आला नेताओं से भी बातचीत करेंगे, ताकि जल्द से जल्द विभाग का बंटवारा कर लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने केंद्र से हरी झंडी मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं शुक्रवार को पहली मीटिंग में भजनलाल सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT गठन करने और अपराधियों के खिलाफ सख्ती बरतने सहित 3 फैसले लिए। इसके बाद शर्मा बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर में 3 बजे मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर के महारानी कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मीडी पर फायरिंग करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथ ही कुलदीप ने सुसाइड की कोशिश की। बदमाश कुलदीप ने नारनौल जिला जेल में ब्लेड से गला काटकर अपनी जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड में मुख्य आरोपी नितिन फौजी का साथी है। पुलिस ने गोगा मेडी हत्याकांड मामले में कुलदीप को नारनौल जिला जेल में बंद कर रखा है। कुलदीप के खिलाफ महेंद्रगढ़ सदर में मामला दर्ज है। वो रेवाजा गांव का रहने वाला है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे उसने जेल में ब्लेड से अपना गला काट लिया। जेल की बैरक में खून के निशान देखकर जेल प्रहरियों ने देखा तो कुलदीप के गला कटने की बात पता चली। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे गंभीर हालत में रोहतक हायर सेंटर रेफर कर दिया है। शूटर नितिन फौजी का साथी कुलदीप एक अलग आपराधिक मामले में नारनौल जिला जेल में बंद है। उसने ब्लेड से गला काटकर सुसाइड करने का प्रयास किया। संसद में घुसपैठ की घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि संसद में घुसपैठ एक सोची समझी साजिश थी। इसका प्लान बहुत पहले से तैयार किया गया था। प्लान में कोई चूक ना हो, इसकी भी पूरी तैयारी की गई थी। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसने अराजकता फैलाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। वो इतना शातिर था कि उसने पेशेवर अपराधियों की तरह पुलिस से बचने के कई तरीके आजमाए। इस बीच ललित झा की सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच जारी है। ललित झा ने 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर लिखा था,
भारत को कुछ नहीं बस एक बम चाहिए, आज भारत को बम की जरूरत है। ये पोस्ट 26 अक्टूबर को ललित झा ने की थी। ललित झा के पेज पर कई और भड़काऊ पोस्ट भी है। आपको बता दें कि संसद में अराजकता फैलाने वाली इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला कोई और नहीं ललित ही था, जो पुलिस की गिरफ्त में है। ललित झा ही पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित ने अलग अलग प्रदेश के लोगों को अपने इस प्लान में जोड़ा और उन्हें संसद में घुसपैठ के लिए मोहरा बनाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।